मैं प्राची पाखरे लेमन स्वाद में आपका स्वाद भरा स्वागत करती हूँ। अगर चाट आइटम्स की बात करें तो आजकल यंगिस्तान में सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर है? भेलपुरी पानी पुरी के साथ आज सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो है वेज फ्रैंकी। फ्रैंकी का अनोखा प्रकार लेके आज भी हमारे साथ हमारी गेस्ट है संजीवनी वाडेकर जी, स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार संजीवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन स्वाद में। आज फ्रैंकी का क्या अनोखा प्रकार लेकर आई हैं आप? आज मैं आपको नूडल्स फ्रैंकी दिखाती हूँ। नूडल्स फ्रैंकी जी, बिल्कुल बहुत ही अनोखी है। अनोखी है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ हाँ, सीधा साधा सिंपल है तो। इंस्टेंट और सीधी सादी। हाँ, जल्दी बनती है। ऑलराइट, देखेंगे इसकी सामग्री और विधि। नूडल फ्रैंकी सामग्री: गेहूँ की तैयार रोटी, एक कटोरी उबले नूडल्स, एक कटोरी गाजर, एक लाल हरी पीली शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, एक चम्मच हर्ब्स, दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़े चम्मच मक्खन, एक कटोरी स्प्रिंग ऑयल। नॉर्मली जो फ्रैंकीज खाई जाती हैं वो होती हैं वेज फ्रैंकीज, मशरूम फ्रैंकी, चिकन फ्रैंकी, अंडा फ्रैंकी, लेकिन चाइनीज भी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो नूडल फ्रैंकी ये अनोखी रेसिपी है फ्रैंकी की। प्याज डालने का, स्प्रिंग अनियन यूज किया है, स्प्रिंग अनियन, जिंजर गार्लिक अभी हल्का ब्राउन होने लगा है तो हम इसमें गाजर और बाकी सब्जियां डालेंगे। स्वादिष्ट भी और दिखने में भी काफी कलरफुल होती है। कलरफुल बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। नूडल्स को हमने किस प्रकार उबाला है, क्या किया था? उबाल में थोड़ा सा तेल डाल के उबाल के रखा, उबाल के रखे थे। हाँ। तो नमक और मिर्च जी, इसमें डालेंगे नमक। घर में तो ज्यादा से ज्यादा आलू की या मटर की, कॉमन फ्रैंकी, कॉमन फ्रैंकी होती है। नूडल्स, इस फ्रैंकी का मेन इंग्रेडिएंट डल रहा है नूडल्स, क्योंकि ये नूडल फ्रैंकी है। हाँ। तो नूडल को हम अंत में डालेंगे ताकि, क्योंकि नूडल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे हमने ऑलरेडी उबाल कर रखे थे तो नूडल्स बहुत जल्दी पकेंगे, इसलिए इसे अंत में डालना है।
ये फ्रांकी का स्टफिंग। नॉर्मली हम जो फ्रांकी खाते हैं वो मैदे की बनती है, मैदे की, लेकिन हम हमारे दर्शकों की सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए हमने आटे की रोटी की है, आटे की रोटी और वेज फ्रांकी तैयार। नूडल्स भरी फ्रांकी को मैं टेस्ट करने जाने वाली हूँ। बहुत ही अनोखी है। नॉर्मली नूडल्स हम अलग खाते हैं, रोटी अलग खाते हैं, नूडल्स रोटी अब एक साथ, भी मजा आ गया। नूडल्स फ्रांकी तो मैं खत्म कर रही हूँ, लेकिन लेमन स्वाद में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए लेमन न्यूज। विधि: तवे पर बटर गरम करें, उसमें बारीक कटी लहसुन अदरक मिर्ची डालें, हल्का सा भून लें। अब इसमें शिमला मिर्च पत्ता गोभी डालें और धीमी आंच पर पकाएं। उसमें नूडल्स डालें, स्वादानुसार नमक, ग्रीन चिली सॉस, हर्ब्स डालें और मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं। बाजू में रख दें। तवे पर बटर गरम करके उस पर रोटी सेक लें। रोटी की एक बाजू क्रिस्पी हो जाएगी। रोटी में नूडल्स की स्टफिंग भरें। रोटी को रोल करें। तवे पर थोड़ा सा बटर डालकर उस पर रोटी फिर एक बार सेक लें। शेजवान डिप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तैयार है नूडल फ्रांकी। ड्रीम होम के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके घर का हर एक कोना आपके व्यक्तित्व को और अभिरुचि को प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ, लेकिन ये नए नवेलापन केवल नए रंगों से और फर्नीचर से नहीं होता, तो इंटीरियर डिजाइनिंग के हर एक पहलू पर प्रकाश डालने से होता है। हर एक को लगता है कि अपना घर अलग और खास हो, ये खास बनाता है होम डेकोर से। आइए, आपका स्वागत है होम डेकोर की दुनिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स हैं जो आपके लिविंग रूम को काफी सूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स क्या हैं। इंडो आर्ट पेंटिंग की तरफ देखने से पहले हम जाएंगे कुछ मॉडर्न आर्ट और एंशियंट स्कल्पचर्स की तरफ, जहां पर हम देख सकते हैं कुछ इंडो आर्ट पेंटिंग्स जो आपके लिविंग रूम को काफी सूटेबल हो सकते हैं। आइए चलते हैं इंडो आर्ट पेंटिंग की तरफ।
हम देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है ये दिल्ली के स्वामी नारायण टेम्पल की प्रतिमा है। इंडो आर्ट स्कल्पचर का पेंटिंग का ये अनोखा नमूना है जिसमें हम राधा कृष्ण की छवि देख सकते हैं। अपनी लिविंग रूम के टेबल को सजाइए कुछ खास मेटालिक लुक के टेबल पीसेस से। आइए देखते हैं कुछ टेबल पीसेस। आप देख सकते हैं कि जो टेबल पीसेस हैं वो सिंथेटिक रेजिन मेड है। जी हाँ, इन्हें मेटालिक रूप दिया गया है। आपका घर छोटा हो या बड़ा, वॉल पेंटिंग के साथ सबसे पहले लगती है वो घड़ी। आइए देखते हैं अनोखी शेप्स की कुछ घड़ियाँ।
शुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी की महाकाय मूर्तियों से लेकर बाल गणेश की छोटी मूर्तियों तक हम अपने घर में उन्हें हमें सजा के रखते हैं। जी हाँ, अपने लिविंग रूम का छोटा टेबल हो या हो अपना बेडरूम या हो अपना टीवी सेट, गणेश जी की मूर्तियाँ वहाँ पर आराम से विराजमान होती है। आइए देखते हैं गणेश जी की कुछ छोटी मूर्तियाँ और उनकी वॉल पेंटिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं गणेश जी के कुछ वॉल पीसेस हैं जो कि मेटालिक लुक के हैं। गणेश जी की छोटी प्रतिमाओं के साथ यहाँ पर कुछ गणेश जी के पेंटिंग्स भी है जो कि वुडन फ्रेम वर्क से बने हुए हैं। ऑफिस हो या घर, हमारी दीवारें सबसे पहले सजती हैं वो वॉल पेंटिंग से। आजकल वॉल पेंटिंग के जमाने में नया ट्रेंड आया है, वो है मॉडर्न आर्ट पेंटिंग का। आइए देखते हैं सद्गुरु में मॉडर्न आर्ट पेंटिंग के क्या खास नमूने हैं।
मॉडर्न आर्ट पेंटिंग में आजकल इंडो वेस्टर्न लुक काफी चल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा है, जहाँ पे इसे ग्लोरीफाई किया है वेस्टर्न लुक के साथ, इसे इफेक्ट दिए हैं वेस्टर्न लुक के, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट एंड रेड कलर की ये पेंटिंग कैनवास पर बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर है कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नमूने, इसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं। इसमें भी हम कलर्स देख सकते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, और इसे भी पेंट किया है कैनवास पे। मेरे साथ इस वक्त है सतगुरु आर्ट्स गैलरी के सीईओ मिस्टर अनमोल बबानी जी, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन लाइफस्टाइल में। मुझे बताइए सतगुरु आर्ट्स गैलरी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, वी कंसिडर ourselves एक आर्ट डेस्टिनेशन। तो जो कुछ आर्ट रिलेटेड आपको अपने घर पे लगाना है या आवश्यकता है, वो सब हमारे यहाँ पे मिलती है। गणपति से लेके पेंटिंग, स्टैचूज, म्यूरल्स, फ्रेमिंग, सब हमारे यहाँ पे है। यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, कुछ टेबल पीसेस हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? आजकल एक्सपोजर इतना हो गया है, लोग इतने फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से उनको अपने घर के डेकोर के हिसाब से क्या चाहिए वो हम लोग दिमाग में रखे अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करते हैं उनके लिए, मॉडर्न से लेके एथनिक। कोई कोई लोगों का घर ट्रेडिशनल है तो उनके लिए वो टाइप का आइटम्स बनाते हैं और पेंटिंग्स लाते हैं। वॉल पेंटिंग्स में यहाँ पे क्या खासियत है? मैंने देखा कि यहाँ पे बुद्ध प्रतिमाएं भी हैं, गणपति जी की आइडल्स भी हैं। वॉल पेंटिंग्स मुझे यहाँ पे कुछ अलग लगी, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखने मिला, मॉडर्न आर्ट पेंटिंग देखने मिला, क्या खासियत है इसकी? हमारे आर्टिस्ट जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट खुद क्रिएट कर रहे हैं हमारे आइडियाज़ के साथ। और जो इन वोग है वो है मॉडर्न आर्ट, और इंडियन रिलेटेड, इंडियन सब्जेक्ट्स को लेके उनको मॉडर्न तरीके से पेश करना, तो वो आजकल का ज़्यादा फैशन में है। और राधा कृष्णा का एक कॉन्सेप्ट जो काफ़ी पॉपुलर है, वो भी अलग अलग तरीके में अलग अलग आर्टिस्ट पेश करते हैं। लोगों का कितना रिस्पांस है इसके लिए? कितने सारे लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं? अभी इंडिया के जो लोग हैं उनका, उनके घर मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो उन लोग इंडियन कॉन्सेप्ट्स के चीज़ें मॉडर्न तरीके में लेते हैं। और दूसरे साइड पे जो लोग बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, उनको ट्रेडिशनल इंडियन चीज़ें पसंद हैं, तो उनका घर चाहे मॉडर्न हो लेकिन रूट्स के लिए, अपने कनेक्शन के लिए उन लोग ट्रेडिशनल इंडियन चीज़ें पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपका आर्ट गैलरी बहुत खूबसूरत है, नई तरीके के हमें पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स देखने मिले। तो ये थे हमारे साथ अनमोल बबानी जी, सतगुरु आर्ट्स के डायरेक्टर। तो आज हमने जाना कि होम डेकोरेशन की दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है इंडो वेस्टर्न पैटर्न। मेरे साथ आप बने रहिए ड्रीम होम में, देखते रहिए लेमन लाइफस्टाइल। लेमन लाइफस्टाइल आपको कैसा लगता है?